अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है? सब बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं ना? उम्मीद है सब लोग लेक्चर्स भी ले रहे होंगे, घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और जो काम हो रहा होगा वो भी आप उम्मीद से कर रहे होंगे। अभी ये मैं आपको एक नई एक्टिविटी करने के लिए कहता हूँ, वही प्लेस वैल्यूज वाली है, राइट डाउन द बैकस मैंने बताया था क्या होता है वो सारा कुछ। तो अब ये हिसाब किताब है, अब ये देखिएगा। वन नंबर डज ईच अबैकस शो, एक अबैकस क्या वैल्यूज शो कर रहा है। अब आपने काउंट करने हैं। अब ये जो पहला दिया हुआ है आपको दिया हुआ है, अब ये देखे ना, एक कील है उसके ऊपर 100 वाली वैल्यूज में देखे कितने दिए हैं, बॉक्स बॉल्स बनी हुई है 1 2 3 4 5। आपने जिधर 100 वाली वैल्यू उसके नीचे 5 लिख देना है। टेंस वाली वैल्यू आप देखें कितनी हमारे पास, कितनी बॉल्स बनी हुई है, 2 बॉल्स बनी हुई है, तो हमने 2 नीचे लिख देना है। उसके बाद वंस वाली वैल्यू है तो उसके नीचे वो बॉल्स काउंट करनी है और नीचे हमने सिंपल वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब ये अगली एक्टिव अगली बी वाली देखिएगा। अब देखेंगे 100 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास 100 है तो हमने इधर 8 लिख देना है। टेंस हम काउंट करेंगे तो हमारे टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 टेंस हैं तो इधर 5 लिख देंगे। वन हमारे पास कितने हैं, 4, तो हमारे पास क्या बनेगा, 854 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह जो जितनी एक्टिविटीज़ आगे हैं ना, वो 100 वाली वैल्यू के नीचे 100 वाली लिख दें, वो टेंस वाली के नीचे टेंस लिख दें, और 0 वाली के नीचे 0 लिख दें। अब ये देखिएगा, टेंथ वाली इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, 10 से ज़्यादा तो दी नहीं हुई, तो आपने ये लिख लेना है। उसके बाद ऊपर देखें बॉल्स बनी हुई थी और आपने नीचे नंबर्स लिखने थे। अब ये नीचे वाली एक्टिविटी है, इसमें बॉल्स नहीं बनी हुई, आपने नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब हमने नंबर्स को देख के इधर बॉल्स बनानी है। अब ये देखें 1 2 3 है ना, जो 1 वाला है वो 100 में आएगा, एक बॉल इधर बन जाएगी। 2 देखें टेंस में है तो इधर 2 बॉल्स बन जाएंगी हमारे पास, और 1 से हमारे पास कितनी है, 3 है, तो हमारे पास 3 बॉल्स बन जाएंगे। मैं आपको कोशिश करता हूँ, यहाँ पे उम्मीद है हो तो जाएगा, देखते हैं। अब जैसे ये देखें ना, एक कील बना हुआ है हमारे पास, एक ये बॉक्स बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 10 100, नीचे वैल्यू क्या दी है, 123। ठीक है, 123, जो 1 है ना वो 100 में आएगा, हम इधर एक बॉल बना देंगे, ये जैसे मैंने गोल गोल बनाई है। अब ये 2 है तो 10s में आ जाएगा, कितनी बॉल्स बन जाएंगी, 2 बॉल्स बन जाएंगी, 1 और ये 2। अब ये 3 है तो इधर 3 बॉल्स, 10s में 3 बॉल्स बन जाएंगी, 1 2 और 3। ये आपने सारी एक्टिविटी ऐसे कर लेनी है, ऊपर वाली में सिर्फ आपने नंबर्स लिखने काउंट करके बॉल्स जितनी बनी है, और नीचे वाले में आपने बैकस के जरिए मुख्तलिफ कलर से मतलब के वो बॉल्स बनानी है। ये एक्टिविटी उम्मीद है आपसे हो जाएगी। इसके बाद ये दूसरी एक्टिविटी है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग आपने 50 से वापस आना है, जैसे ये 50 बना हुआ ना, 50 के बाद यहाँ पे 49। मैं आपको बताता हूँ कैसे, अभी आपके पास ये 50 बना हुआ है ना, उसके बाद ये बॉक्स खाली है यहाँ पे, फिर बॉक्स खाली है यहाँ पे, 50 के बाद क्या आता है, 49, यहाँ पे 49, 49 के बाद क्या आता है, 48, 48 के बाद क्या आता है, 47, ये 48 के बाद क्या आता है, 46। इसी तरह आपने बैकवर्ड काउंटिंग काउंट करते जाना है और लिखते जाना है, 50 से वापस आते जाना है और ये आपने 30 तक आना है, ये काउंटिंग है। ये दो एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए, एक ये वाली और एक ये वाली, आप उम्मीद करता हूँ सबसे हो जाएगी, ख्याल रखिएगा।